का कानपुर दबंग लड़कियों की दिखी दबंगई, घर पर घुसकर लड़की के साथ की मारपीट। मामूली बात के चलते अभद्रता और मारपीट की। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दबंग लड़की पनकी ने रतनपुर की रहने वाली है, जिसने यह मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। काकादेव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। लखनऊ सुर्खियों में बने मदेगंज थाना प्रभारी, अपनों पर करम की मुहिम चला रहे थाना प्रभारी। परिजनों की दुकानें खुलवाकर बाकी व्यापारियों को करते हैं परेशान। व्यापारी ने स्थानीय पार्षद से थाना प्रभारी की शिकायत की। पार्षद से भी थाना प्रभारी ने की अभद्रता। लखनऊ में सुर्खियों में बना है मदेगंज थाना प्रभारी, अपनों पर कर्मों की मुहिम चला रहे हैं थाना प्रभारी मदेगंज। परिजनों की दुकानें खुलवाकर बाकी व्यापारियों को परेशान करते हैं। व्यापारी ने स्थानीय पार्षद से थाना प्रभारी की शिकायत भी की, उसके बावजूद यह बाज नहीं आए। पार्षद से भी थाना प्रभारी ने अभद्रता की है। संवाददाता शादाब इस खबर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, ये क्या मनमानी है थाना प्रभारी की? देखिए कृष्णा, मैं बता दूं कि लगातार थाना प्रभारी ये बदतमीजी करते हुए नजर आए। हालांकि जो वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी इन्होंने बताया कि मामला असल बात ये था कि देर रात ये दुकानें बंद करवा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों का आरोप है वहाँ पे। और जो दुकानदार है उनका कहना है कि इंस्पेक्टर महोदय जो भी है वो जिनसे इनकी सेटिंग है उसकी ये दुकान खुलवाते हैं, उसके अलावा और जो दुकानदार है उनको ये परेशान करते हैं। उसी के चलते कुछ दुकानदार क्षेत्रीय पार्षद के पास गए थे, पार्षद से बात की गई, उसके बाद पार्षद इंस्पेक्टर से बात करने गए थे। वहीं पे ही इंस्पेक्टर ने इनसे अभद्रता की और साथ ही गाली गलौज की। उसके बाद व्यापारी और ये जो क्षेत्रीय पार्षद है ये आज बात की गई है कि एसीपी चौक से मिलेंगे, एसीपी चौक से मिलके इनकी शिकायत करेंगे और अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद ये थाने का घेराव भी कर सकते हैं। जी कृष्णा। कानपुर हिंसा से जुड़ा मामले में जेल गए चार और आरोपी जेल से छूटे। कानपुर पुलिस ने सीआरपीएफ के माध्यम से की थी गिरफ्तारी, जांच कर आरोपियों को दोष मुक्त कर जेल से रिहा कराया गया। इस एक्ट के माध्यम से कुल 6 लोग हुए रिहा। कानपुर हिंसा से जुड़ा मामला, जिसमें मामले में जेल गए चार और आरोपी जेल से रिहा हो गए हैं, वो जेल से छूट गए हैं। कानपुर पुलिस ने 169 सीआरपीसी के माध्यम से की थी जांच और जांच कर आरोपियों को दोष मुक्त कर जेल से रिहा कराया गया। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, तमंचे के बल पर युवक से की मारपीट। मारपीट के बाद बाइक छीन कर फरार हुए बदमाश। पीड़ित युवक ने तहरीर देकर उठाई कार्रवाई की मांग। थाना कुआरसी क्षेत्र का है पूरा मामला। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, तमंचे के बल पर युवक से की मारपीट। मारपीट के बाद बाइक छीन कर फरार हुए बदमाश। पीड़ित युवक ने तहरीर देकर उठाई कार्रवाई की मांग। जो भी मार, मैं वहाँ से भागा, मेरे पीछे भागी भी वो मारने के लिए। मैं वहाँ से भागा तो मैंने भाग के अपनी जान बचाई, गलियों में तो भाग गया मैं। फिर वो वहाँ से चले गए, तमंचे लेके भागे मेरे पीछे, मारा गया मुझे बट रहे। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी है? कार्रवाई पुलिस को फोन नंबर को फोन करा, फोन नंबर करीब आधे घंटे बाद वहाँ पहुँची,
और पूछताछ करके कहने लगे आप थाने पर वहाँ जाइए, चौकी जाइए, चौकी आके आप अपनी एफ आई आर करवाइए। माँ चौकी गई, माँ पर जो वारदात मेरे साथ हुई वो बताई, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, डॉक्टर कराएंगे, तो उन्होंने कहा सीधे थाने जाओ। थाने आए तो थाने में एफ आई आर दी हमने, तो थाने में भी कोई एफ आई आर की हमारी सुनवाई नहीं हुई। कम से कम मैं 11:30 बजे तक ऐसी तड़पता रहा था डॉक्टर से। 11:30 बजे के बाद में जब एफ आई आर ले गए हमारी को, तो डॉक्टर के लिए भेजा, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसी आयात घूम रहे हैं तीनों। रफ्तार का कहर, पैदल जा रहे कावड़ियों को रिक्शा ने मारी टक्कर। पुलिस ने घायल कावड़ियों को सीएचसी राजेपुर में कराया भर्ती। घायल कावड़िया और रामकिशोर शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना राजेपुर क्षेत्र में टावा बरेली हाईवे पर गांव चाचूपुर की घटना आई सामने। कबाड़ में दिखा रफ्तार का कहर, पैदल जा रहे कावड़ियों को रिक्शा ने मारी टक्कर। पुलिस ने घायल कावड़ियों को सीएचसी राजेपुर में कराया भर्ती। राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये कौन है आपके? साड़ू है। आपके साड़ू है, क्या नाम है इनका? रामकिशोर। रामकिशोर कहाँ के रहने वाले? रौजा कॉलोनी, मठिया कॉलोनी, रौजा मठिया कॉलोनी। अच्छा, और थाना कौन सा पड़ता है? रौजा। जनपद? जनपद शाहजहांपुर। कहाँ आप आए, लोग आए थे? चाचूपुर, फरुखाबाद आए थे, चाचूपुर के पास पांचाल घाट आए थे। पांचाल घाट गंगा जल भरने आए थे क्या? गंगा जल भरने कांवड़, कांवड़ के लिए, कांवड़ लिए जा रहे थे, वापस जा रहे थे। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ आपका? चाचूपुर। चाचूपुर के पास। तो आप लोग क्या पैदल थे या किसी बाइक से? पैदल थे। टक्कर किसने मारी? ऑटो रिक्शा, बैटरी। अच्छा, बैटरी वाला रिक्शा था। पीछे से मार दिया क्या? पीछे से। पीछे से। तो आपके जो साड़ू है उनके क्या पैर में चोट? पैर में चोट है। तो क्या ज्यादा चोट आई है? ज्यादा चोट है। जानकारी के लिए संवाददाता सुंदरम फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, जो घायल कावड़ियां हैं, इनकी स्थिति कैसी है और इन्हें इनका इलाज जो कहां पर चल रहा है? जिला अस्पताल लोहिया में जारी है और इनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि इनके दाएं पैर की जो हड्डी है वो टूट गई थी, जिसके चलते वहां पर इनके डॉक्टर ने जो बताया है कि इनके वहां पर ऑपरेशन होने की भी संभावना है। लेकिन भाई आपको बताते चलें कि जो अब पूरा मामला थाना राजेपुर क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात टावरेली हाईवे पर चाचूपुर के पास एक ई रिक्शा के द्वारा पैदल जा रहे कांवड़िए को टक्कर मारी जाती है। लेकिन पुलिस मौके पर तत्परता दिखाते हुए घायल कांवड़िए को जिला राजेपुर सीएचसी में भर्ती कराती है, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल लोहिया भेजा जाता है। वही अभी घायल कमरिया का जिला स्तर लोहिया में इलाज जारी है और जो है वो थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है। सुंदरम, जो ई रिक्शा चालक है, क्या उसे गिरफ्तार किया गया? पुलिस अब किस तरह से जो घायल कावड़िया है उनके घर वालों से संपर्क कर रही है? ये बताना चाहूंगा, पुलिस द्वारा घायल कांवड़िया जो है उसके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। उसके जो साड़ू है वो उसके साथ में ही थे। और भाई आपको बता दें कि जिस ई रिक्शा चालक के द्वारा घायल कांवड़िया को घायल किया गया था, वो मौके से फरार हो गया था, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुंदरम, आप बने रहे हमारे साथ। सपा नेता जितेंद्र यादव ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस की जांच पर सपा नेता ने उठाए सवाल। बीती 29 जुलाई को सपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा, हत्या की साजिश रचने के आरोप में दो नामजद के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। जो पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक जगदीश वर्मा को सौंपी गई जांच, सपा नेता जितेंद्र यादव ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस की जांच पर सपा नेता ने उठाया सवाल। संवाददाता सुंदरम इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, ये क्या कुछ पूरा मामला है जिसकी जांच पर सपा नेता ने सवाल उठाए हैं? ये बताना चाहूंगा, पूरा मामला जो है कि बीते 29 जुलाई को समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के द्वारा थाना मोदरवाजा में एक मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें कहा गया था कि नामजद दो व्यक्तियों के खिलाफ की इनके द्वारा हमारी हत्या की साजिश रचने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दोनों ही जो नामित आरोपी थे उनको बुलाया गया था, गहनता से पूछताछ की गई थी। लेकिन अब बीते दिन पुलिस के द्वारा इस मामले में प्रेस नोट जारी कर मामले को स्पंज करने का जो प्रकरण सामने आया, पुलिस द्वारा बताया गया है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव द्वारा तहरीर दी गई थी
वो सिर्फ सिर्फ भय और संदेह के आधार पर दी गई थी, उसमें तथ्य नहीं है। और जितने भी आरोप उसमें लगाए गए थे तो अभी तक की विवेचना में पुलिस ने उन्हें असत्य बताया है, साथ ही मुकदमे को बिल्कुल खत्म करने का भी जो तैयारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। वहीं यह भी बताया गया कि एक व्यक्ति उसमें आदिल खान जो नामित किया गया था कि इसके द्वारा भी षडयंत्र में शामिल होने की संभावना है, वो पूर्व समय पुलिस की जांच में पाया गया कि एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के आधार पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव है उनका ही पीएसओ रह चुका है। युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने जबरन युवक को हिरासत में लेकर की पिटाई। युवक को खाना देने गई मां ने थाने की चौखट पर तोड़ा दम, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों का हंगामा। पुलिस पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। नरवर पुलिस के खिलाफ एसपी आउटर से की गई शिकायत। कानपुर में नरवल पुलिस ने युवक को जमकर पीटा। संवाददाता उपेंद्र थानस खबर, अधिक जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके। उपेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला, आखिर इतनी बेरहमी से पुलिस वालों ने युवक की पिटाई क्यों की? जी, आपको बताया चला कि 3 अगस्त की रात को जो दिन को जो है इसको नितेन नाम के लड़के को उठाया गया था, नरवर पुलिस ने उठाया था, जिसमें केवल एक शिकायत थी 151 की सूचना थी, जिसमें 151 को लेकर के इन लोगों ने क्या किया, 3 दिन से लड़के के साथ मारपीट की, उसको लॉकअप में बंद रखा। जब उसकी माँ कल शाम को जब उसके पास थाना लेके पहुंची तो मालूम चला कि वो कोर्ट चला गया, जेल भेजा चुका है। उसकी माँ उसी थाने परिसर में चबूतरा बना हुआ है, उसी चबूतरे पे जो उसने दम तोड़ दिया है। और रही बात नगर पुलिस की, तो इससे पहले भी इंस्पेक्टर राम बाबू जो हैं उनके वो पहले भी आरोप लग चुके हैं, एसपी आउटर से लिखित कंप्लेन ग्रामीणों कर चुके हैं, क्योंकि इनका ऐसा रवैया ये पहला ही केस नहीं है। इससे पहले भी जो है गांव ग्रामीण के 6-7 लड़के ऐसे थे जिनको उन्होंने जब फर्जी तरीके से पकड़ा गया और उसके बाद अवैध तरीके से वसूली की गई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।